ये क्या बात हुई दादी, मुझे छोड़कर कैसे चले गए? थोड़ा इंतजार तो कर सकते थे ना। अरे बेटा, तुम रात की थकी हुई थी ना, मैंने ही उन्हें कहा था कि चले जाओ। अच्छा है ना बेटा, थोड़ा आराम कर लिया तुमने। लेकिन दादी, मुझे जन्नत से मिलना था ना। अरे तो वलीमे पे जा रहे हैं ना, आज मिल लेना। क्या वो नहीं आएगी अभी यहाँ? बिट्टो बाजी तो आई थी नाश्ते के बाद घर। पता नहीं बेटा, मैं कुछ कह नहीं सकती। ठीक है दादी, फिर मैं जा रही हूँ। दादू, आपने अमल को वापस क्यों भेज दिया? मुझे उससे बात करनी थी। बेटा, ये दोस्तियां और ये मिलना जुलना, ये सब अपने घर में अच्छा लगता है। शादी के बाद लड़की को खुद को समेटना पड़ता है बेटा। ये दोस्तियां वोस्तियां पीछे छोड़कर ना, अपने घर वाले ससुराल वालों को समझना पड़ता है, और शौहर की पसंद और नापसंद का ख्याल भी रखना पड़ता है। मेरी शहजादी, अभी तुम ना समझ हो ना तजर्बा कार हो बेटा, इसलिए मैं तुम्हें समझाती रहती हूं। ससुराल वालों को समझना बहुत जरूरी है, लड़कियों को बदलना पड़ता है अपना आप। और मुझे यकीन है, मेरी शहजादी अपने ससुराल वालों के दिलों पे राज करेगी, अपना घर बनाएगी अपने ससुराल वालों के दिलों में। वो क्या कहते हैं, आइडियल, तुम्हें आइडियल बहू और आइडियल बीवी बनना है ना। इंशाल्लाह मेरी बेटी जरूर बनेगी, खुश रहो। इश्क बेपरवाह, पीर और मंगल, रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।